For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निदा गनी है। आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड आर्ट थेरेपिस्ट एंड साइकोड्रामाटिस्ट। मैंने एमएस किया हुआ है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। इसके अलावा मैंने आर्ट थेरेपी और साइकोड्रामा का कोर्स किया हुआ है फ्रॉम आर्ट थेरेपी एंड मेंटल हेल्थ एसोसिएशन। इसके साथ साथ मैं अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की मेम्बर भी हूँ। आई प्रैक्टिस इन रशीद हॉस्पिटल एंड आई डील विद एंगजाइटी, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर्स, इसके अलावा अग्रेशन और मैरिज काउंसलिंग, childhood problems। एक बहुत अहम बीमारी जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है डिजीज़ ऑफ एजिंग, यानी बढ़ती उम्र के साथ होने वाली बीमारी, और वो है डिमेंशिया। डिमेंशिया का ताल्लुक इंसान के दिमागी हालत में तब्दीली से होता है, जैसे याददाश्त का चले जाना। ज़रूरी नहीं है ये बीमारी बुढ़ापे में ही हो, 40 साल की उम्र से भी इस बीमारी का आगाज़ हो सकता है। भूलना, अपनी बात समझा ना पाना या दूसरों की बात समझ ना पाना इसके सिम्टम्स में आता है, और इसकी सिम्टम्स में वक्त के साथ साथ सीवियरिटी आती है। जैसे कि अगर आप शुरू में किसी की शक्ल पहचान लेते हैं लेकिन उसका नाम आपको याद नहीं रहता, आहिस्ता आहिस्ता आपको वाक़यात भूलना शुरू हो जाते हैं, आप डेट भूल जाएंगे, आप घर का रास्ता भूल जाएंगे। आपको इमोशनल वाक़यात तो याद रहेंगे जो आपकी लाइफ में कुछ इमोशनल जज्बाती वाक़यात थे, लेकिन जो हकीकी मालूमात होती है, जो हमारे दिमाग में फैक्ट्स होते हैं, आप उनको भूलना शुरू हो जाते हैं, और जो करीबी वाक़यात होते हैं वो आप तकरीबन उनको आहिस्ता आहिस्ता भूल जाते हैं। इस बीमारी की बहुत बड़ी वजह दिमाग की हालत में तब्दीली होती है। इसके अलावा कुछ मेडिकल रीजंस भी हो सकती हैं, बीपी होना, बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ और हमारा रहन सहन। डिमेंशिया के साथ आप बिल्कुल नॉर्मल तरह ज़िंदगी अपना सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप थेरेपी से कंसल्ट करें। जब आप इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं तो आप ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं, आप में अग्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए आपको इंडिविजुअल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, एंगर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, और एक बहुत अहम चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, इसकी वजह से आपके घर के दूसरे अफराद भी ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं, तो उनको भी फैमिली काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। अगर इस सिलसिले में आपका कोई भी सवाल हो तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।